अस्सलाम वालेकुम, BNCF की एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रजा। आज की वीडियो बेसिकली NTS के टेस्ट के हवाले से हैं कि किस तरह से आप NTS के टेस्ट में अपेयर हों और किस तरह से NTS के टेस्ट को आप सॉल्व करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें ईजिली। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको टेस्ट डे से पहले प्रिपेयर करनी होगी उसमें है आपके मटेरियल्स। ये आपने एक दिन पहले टेस्ट से अरेंज करके रख लेना है, जिसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉल पेन, एडमिट कार्ड, NIC और बेफॉर्म, इसके अलावा आपने अपने साथ टेस्ट डे पर कुछ चीजें और भी लेकर जानी है, जैसा कि आपके पास चॉकलेट्स होने चाहिए ताकि आपके एनर्जी का लेवल मेंटेन रह सके, आपके साथ वाटर या जूस की बॉटल होनी चाहिए ताकि आपके हाइड्रेशन का लेवल नॉर्मल रह सके। आपने टेस्ट डे पर अप्रॉक्स हाफ आवर पहले पहुंचना है और आधे घंटे पहले पहुंचने के बाद आपने अपनी जगह पे बैठ जाना है आप अपनी जगह पे बैठ गए तो उस वक्त आप कोशिश ये करना है कि आप अपने आप को पुरसकून रख सकें किसी भी तरह से, चाहे आप किसी भी तरह से म्यूजिक सुन के या फिर कुछ भी करके, जिससे आप आराम से अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं, अपनी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को नॉर्मल कर सकते हैं, तो वो आप कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट से पहले आपने कुछ भी डिस्कस नहीं करना जो पेपर से रिलेटेड हो, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको डिस्कस नहीं करना है। इसके बाद आ जाते हैं, आप सपोज कर लें आपको टेस्ट पेपर मिल गया, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपको जो पेपर मिला है वो क्वेश्चन पेपर ठीक है, और आंसर शीट भी आपके पास वही है। इसके बाद जब टाइम का कहा जाए कि आप बॉक्सेस फिल कर लें, यानी कि नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह का जो साइट है जिसको हम अपर साइट कह रहे होते हैं आंसर शीट का, तो उसे आप फिल करने के वक्त बहुत ज्यादा ध्यान से फिल कीजिएगा। ये तो हो गए हमारे पास पेपर स्टार्ट करने से पहले के कुछ पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं कि जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो पेपर स्टार्ट करने के लिए भी आपको कुछ पॉइंट्स को जहन में रखना होगा। जिसके बाद आप पेपर इंशाल्लाह अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सपोज आपका पेपर का टाइम स्टार्ट हो चुका है,
तो सबसे पहला काम ये करना है कि पेपर को थॉरली रीड करना है, यानी जिस तरह से आप रिव्यू कर रहे होते हैं उस तरह से आप पेपर को रिव्यू कर लें। जब आप रिव्यू कर रहे होंगे तो आपको कुछ इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपने उस इजी क्वेश्चंस को उसी वक्त ठीक से पढ़कर सॉल्व कर लेना है। जब आप पेपर को रीड कर रहे होंगे तो आपको पेपर को तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का आइडिया हो जाएगा। वो तीन पार्ट्स क्या हैं? वो तमाम क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको उसको देखना है, उनको इजी क्वेश्चंस में डिवाइड कर लें, कुछ जिनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना है उनको डिफ़िकल्ट में शामिल कर लें, और जो बहुत ज़्यादा हैं उनको वेरी डिफ़िकल्ट में शामिल करें। तो इस तरह से आप तीन पार्ट्स में जब डिवाइड कर लेंगे तो आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी। अब आप इसमें से सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो कि सबसे आसान हो, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपने इस पॉइंट का ख्याल रखना है कि आपने क्वेश्चन का स्टेम बहुत अच्छे से पढ़ाओ, और उसके बाद फिर आपने ऑप्शंस को देखना है। जैसे कि कुछ जगहों पर होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बच्चे क्वेश्चन को सही तौर पे नहीं पढ़ते और वो ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है, तो उनका आंसर यकीनन उस वक्त गलत हो जाएगा। तो आपने पहले क्वेश्चन को सही तौर पे पढ़ना है, उसके बाद ही उसके ऑप्शंस को देखना है ताकि आपको सही आंसर ढूंढने में आसानी हो। इजी क्वेश्चन करने के बाद आप आ जाएं अब डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नहीं भी तो 5 से 10 पेपर्स में होते हैं जो कि बच्चों को सॉल्व करने में थोड़े से मुश्किल लग रही होती है उसको सॉल्व करने में, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। सपोज कर लें कि वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक्स है, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, उसमें आप सबसे गलत जो आंसर्स हैं उनको अलग कर लें, यानी कि उसमें आप ऑड वन आउट का मेथड अप्लाई करें। अगर आप ऑड वन आउट कर लेते हैं 4 में से 2 ऑप्शंस को, तो आपके पास 50% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो मेरा मशवरा स्टूडेंट्स को यही होता है कि उस क्वेश्चन में जिस पे आपका दिमाग कह रहा है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है उसको टिक करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के डर से अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और वो आंसर बाद में आपका ठीक होता है तो उसको सोच के अफसोस ही होगा और कुछ नहीं होगा। सबसे आखिर में आपने जो काम करना है, आपने बीच बीच में से कुछ नंबर्स को पिक करना है और देखना है कि उस क्वेश्चन के आंसर्स आपने ठीक मार्क किए हैं या नहीं। इस तरह से आपके जो तरतीब है, नंबरिंग है, सीक्वेंस है, वो अगर कुछ डिस्टर्ब होगी तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये डिस्टर्ब है, तो आप उसको दोबारा से फिर देख लीजिएगा। क्वेश्चन की नंबरिंग आपने साथ साथ देखते हुए सॉल्व करना है, ऐसा ना हो कि आप पूरा सॉल्व कर लें और उसके बाद आपको लगे कि आपने तरतीब ही आगे पीछे कर दिए, तो जल्दी में जल्दबाजी में वो सारे ऑप्शन जो आपने सही किए होंगे वो भी गलत हो जाएंगे। तो आपने आंसर मार्क करते वक्त क्वेश्चन नंबर जरूर देखना है और उसके बाद ही आंसर मार्क करना है। आंसर को मार्क करने के लिए जो बॉक्स दिया हुआ होगा उसको ठीक तौर पे फिल करना है, कुछ पॉइंट्स इससे थोड़ा सा और आगे। कुछ जगहों पर आपको ये डाउट होता है कि आपने जो पहले मार्क किया वो गलत है और बाद में जो मार्क किया वो ठीक है, तो
अगर आप 100% श्योर हैं कि आपने पहले मार्क गलत किया था, अब आप ठीक मार्क कर रहे हैं, तो तभी आप उसको इरेज करके दोबारा से आंसर मार्क कीजिएगा। लेकिन अगर आपको डाउट हो कि 50% पहले वाला सही है और अभी जो आप सोच रहे हैं वो 50% सही है, तो आप पहले वाले को छोड़ दीजिएगा। ये भी हमारे पास साइंटिफिकली प्रूफ है कि हमारे पास जो फर्स्ट आंसर हम मार्क करते हैं वो सही होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द सेकेंड ऑप्शन जो कि हम मार्क कर रहे हैं। पेपर को सॉल्व करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आपका कूल एंड काम रहना है। पेपर में आप जितना ज्यादा अपने सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल में रख पाएंगे उतना ही अच्छा आपका ब्रेन काम करेगा, और जितना अच्छा आपका ब्रेन काम करेगा पेपर उतना ही अच्छा आपका इंशाल्लाह होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो खास तौर पे एनटीएस टेस्ट के लिए बनाई गई है, तो आपके जानने में जो भी इस एनटीएस टेस्ट में अपेयर हो रहा हो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह उसको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मजीद वीडियोस के तक अल्लाह हाफिज़।